I wanna stay here with you. Hey, good morning everyone. Welcome back with the new vlog. And आज so guess what? आज हम लोग जाने वाले हैं पाम व्यू के ऊपर. एंड सच में मैंने सुना है कि वहाँ का जो व्यू है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है शाहरुख का बंगला देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड. शाहरुख चाचा का लड़का हमारे शाहरुख खान साहब बोल तो वो देखेंगे. एंड जिस जगह पे ये सारा एरिया बना हुआ है उसको खुद क्रिएट किया गया है, एक समंदर के अंदर पत्थर डालना, रेत डालना और उसको इतना मजबूत बना देना. तो ये सारी चीज आज के व्लॉग में हम लोग कवर करने वाले. उसके बाद आज हमारा डिनर है क्रूज पे, वो भी आज के व्लॉग में कवर होगा. आज का दिन बहुत लंबा होने वाला, तो इसी व्लॉग के अंदर आज का पूरा दिन कवर करेंगे. हम क्रूज पे जाएंगे, रात का दिन का दोनों व्यू देखने वाले हैं. एक और चीज जो कि बहुत स्पेशल है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, सिर्फ छोटी सी चीज है, कट टू कट बात करेंगे. जो पाम जुमेरा है ना, पाम जुमेरा इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको देखने के लिए द पाम व्यू बना है. उसके ऊपर खड़े हो गए आप पाम जुमेरा का मजा लो. हाइट के ऊपर एक बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट 48 to 50 बिल्डिंग पे लेके जाएंगे हमको. जहां से पाम व्यू दिखेगा. सो आर यू गाइस एक्साइटेड? तो कमेंट डाउन बिलो. एंड जितने लोग चैनल पे नए हैं, अच्छा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल. एक चीज आप लोगों को अपडेट के बताते हैं, एक चीज आप लोगों को और करनी है जो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा प्लेस है दुबई के अंदर जो हमें जाना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं, जहाँ वो मिस हो गया, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे. क्योंकि सच्ची में यार ऐसा ढूंढ ढूंढ के जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब कमेंट्स में हमारे पास प्लेसेस आ जाते हैं कि अब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ चले जाते हैं. yes. ये कुछ चीजें हैं दुबई में जो देखने के बाद वाइब भी आ जाती है. राइट, बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ से हमारे पास जी टी में स्टैंग निकल रही थी, तो विवेक ने उसको ऐसे रिएक्शन दिया बस. और अगर यही इंडिया में होता तो ऐसे होते हैं, है ना. एंड यहाँ से एंट्रेंस है कुछ ऐसा, सर्दिनाल रहोगे तो ऐश करोगे ना. जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे. पहले मैं कहीं भी अकेले जाने से डरती थी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि ये साथ है, ये सब ढूंढ लेते हैं. पहले मुझे जैसे कोमल बाबूजी आते थे तो मुझे लगता था मैं बड़ी हूँ, मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अब मैं ऐसे पागलों की तरह कहीं भी घुस जाती हूँ, मुझे पता ही है मुझे निकाल के ले ही आएंगे. उसके बाद द व्यू एट द पाम. अब हम चलते हैं ऊपर की ओर. वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बाद लिखा है द व्यू एट द पाम, फिर ऊपर जाना है, सेंटर में आपको मिल जाते हैं फाउंटेन. फिर ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ऐसे दिख भी नहीं रही है पूरी. मुझे लगा कि ये रियल है, मेटल क्या था एक बार को. तो कल हम एक्वेरियम में नहीं जा पाए थे, इसलिए हम सारी फील यहीं पे ले रहे हैं. आर्टिफिशियली सही लेकिन फील है. इट्स ऑल दुबई. ये सामने फोटो देख रही है, पुराना दुबई है बेसिकली. ओके ओके, बड़ा वाइब यार. كانوا يبنون بيوتا وقلاع عمليه على الشاطئ. Six, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience information into one of the world's most expensive. मेरी लिटरली हालत खराब थी ये सोच के, यार कैसे बनाया पत्थर अंदर तक और लगाए सैंड की रह गई. तो यहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ जो मेरे से रिलेटेड. मैं सबको एक बार होल्ड कर लेता हूँ, एंड जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो बाद में पढ़ सकते हो. स्टोन्स वगैरह लाएंगे सब. अनएक्सपेक्टेड है लेकिन यार मेहनत, मैं सच्ची में कह रही कि क्या ही दिमाग लगाया होगा कि एक समुंदर के अंदर फेक, पहले उन्होंने पूरा एक जगह बनाई उसमें रेत मिट्टी, देखो कैसे कर रहे थे. तो यहाँ पे मेंशन है बेसिकली क्या सीन था कि 12 से लिखा है 12 से 16 मीटर तो डेप्थ में इसके रॉक्स हैं, उसके बाद 8 मीटर डेप्थ में इसकी ये वाली मिट्टी है, उसके बाद 4 मीटर डेप्थ में इसकी ये वाली मिट्टी है, एंड फाइनली फिर ग्राउंड लेवल ऐसे. इस तरह की वाइब है अगर इंसान ने ऐसे पोल्स बना बना के होल कर करके तब रेत इसमें फिल करा गया. अभी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई कि बेसिकली पाम जो मेरे की हिस्ट्री क्या थी, ऐसे पढ़ा सब लोगों ने, मैंने आज अपनी आंखों से देखा, बहुत अच्छा लगा. तो अब हम जा रहे हैं टॉप पे. Yes. Yes. दुख क्यों हो रहा था ले लिए इतना? दुख इसलिए हो रहा था यार, हमें 2 घंटे का है. थैंक यू. आर यू रेडी फॉर 52? यस. ओह माय गॉड. अरे अब देखो कहाँ जा रहे हैं हम, कल हम कहीं जा रहे हैं, देखो तो.
सेकंड चेक करो वहाँ। ये वाइब कुछ बाहर क्रिएट होनी शुरू होगी होगी। बंद हो गए कान, अभी मेरे नहीं हुए। अब खुलेगी जगह। 3, 2, 1 Oh my god, no, it's crazy. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me close. Crazy. Shit, man. क्या ही दिमाग लगाया यार? क्या ही बना दिया बिट्टू? यहाँ पे जहाँ यहाँ तक दिख रहा सिर्फ पानी था। वाओ व्यू है, विवेक और मजे ले रहे हैं इसको, बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। अच्छा दिख रहा है? हाँ, मतलब बहुत फोकस करके देखना पड़ता है ना इसमें। यार ये देखो ये कितना डेंजरस बना रखा है। वाओ, और मैं कहाँ खड़ी, मुझे डर भी लग रहा है। वाओ, ये है पाम सेंटर। बस ये सीधा का सीधा पाम सेंटर है, उसके बाद कुछ विंग्स इधर की साइड है और कुछ विंग इधर की साइड है। देखो नीचे कितना अच्छा वाइब आ रहा है। देखो है? रात को क्रूज पे यही आएंगे ना शायद। हाँ, तो कल वाले व्लॉग में दिखेगा वो सबको। एग्जैक्टली, आई कांट टेल यू कि कितनी प्यारी जगह है यार। हाँ, है ना सर। आई वांट टू स्टे हियर विद यू, ऑल दैट वी हैव इज ईच अदर नाउ, आई प्रॉमिस आई वोंट लीव योर साइड. If you're giving me your love, giving me your love, all that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love. सारी फोटोज़, इतनी सारी रील्स, इतनी सारी वीडियो, सिनेमैटिक, इतना कुछ बना लिए, पता नहीं हम दोनों आपस में लगे सेल्फी कैमरे से करने, और मुझे पता भी नहीं सब डलेगी कि नहीं डलेगी, लेकिन मेमोरीज़ के लिए हमने रख लिया है। लेकिन आप देखना चाहते हो हमने कैसी फोटोज़ वीडियोज़ लिए, तो नीचे हमारे इंस्टाग्राम आ रहे हैं, उस पर जाके चेक कर सकते हो। और अब जा रहे हैं कुछ पीने के लिए, लस्सी होगी क्योंकि, और देखते हैं कुछ बेहतरीन मॉकटेल मिलेगी तो पी के खत्म। सेम हियर बेब्स, मुझे क्या खाएगा या क्या पीगा बताओ। कॉफ़ी पीनी चाहिए। ये ना पता कितनी खतरनाक है, ये जब तक बाहर रहती है जब तक तो बोलती है बाबू गला सूख गया, कुछ लिक्विड बीवरेजेस मॉकटेल चाहिए, और जैसे अंदर आएगी ना कॉफ़ी चाय ये सब पिएगी, तो यहाँ पे पाम पे खैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको चाय मिलेगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन कॉफ़ी पी लो, मैं कुछ मॉकटेल मिल जाता हूँ। ठीक है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पी पा के आपको शूट मत करना, पी पा के राशन पानी कहती है मैं शूट मत करना। मुझे लग रहा है बस आज के व्लॉग को हमें यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा ना। नहीं प्लीज़ प्लीज़ यहीं कर देते हैं। सबके लिए पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, मेरे लिए पहले मेरा मेकअप, फिर काम दूजा। सो अभी आप पीछे व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। बट हम घर वालों को सच्ची में बड़ा मिस कर रहे हैं अभी। यहाँ हमें ना, हम दोनों जो एक अकेलेपन के साथ घूम रहे हैं ना, वो एक गदर होता है, गदर उस टाइप पे। बट कोई बात नहीं, इस बार तो पक्का आप लोगों को लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक चीज़ बताती हूँ, दुबई है, दुबई वो पहले वहाँ तक था, आई थिंक मेरे हाथ से नहीं दिख पा रहा, यहाँ तक था, यहाँ तक
इस वाली लेन से लेके और जितना आपने उस तरफ देखा सबको बाद में खुद बनाया गया। ये किसने बनाया था? ये बना बनाया था, देखो वहां तक था, ये पूरा मिट्टी पत्थर वत्थर डाल के सब खुद बनाया है, जो कि आपने व्लॉग में देखा भी है पीछे, पता नहीं क्या ही बनाया। देखियो ऐसे खड़े हो गए ना, मौत आ जाती है एकदम, मैं क्या मर के दिख रहा था भाई। दोस्तों ये इसमें देख तो रही है लेकिन नीचे देखो कैसे देख रही है। ये देखो बाबू आ जाओ, पता लग गया। चलो चलो चलो, बस चलो चलो भाई, क्या कर रही हो ये? जब ऐसे करती है नीचे एंगल हो जाता है। ए भाई इससे खड़े चलो चलो, भैया वेट कर रहे हैं हमारा नीचे। ये दोनों बीबियां खड़ी होकर ना मेकअप कर रही थी वहाँ कहाँ बाथरूम में, पूरा ना मेकअप वैनिटी बना रखा था उन्होंने, धक्का धक धक्का धक धक्का। मैं कहा हम तो लिपस्टिक ही लगाती हूँ जब बाहर जाती हूँ, मुझे उसमें भी शर्म आती है कि मुझे कोई देख ना रहा हो। वो मैं इसलिए लगाती हूँ कि मैं ना जब कोई खाती हूँ पीती हूँ लिपस्टिक पी जाती हूँ खा जाती हूँ, पता नहीं कैसे आदत नहीं है तो मैं लिपस्टिक की लो। अरे वहाँ से हमने वो पिया है ड्रिंक्स वगैरह और यहाँ से एग्जिट है। हेलो ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गाइज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना दूसरा व्लॉग, तो उसके लिए क्या है, खुशी चेंज करने गई है, मैं भी चेंज करूँगा कोज। अभी हम लोग जाने वाले हैं क्रूज़ पे, आज डिनर करेंगे और क्या क्या होता है क्रूज़ पे, क्या सब सीन रहता है, सब चीज़ें आपको वहीं पर जाके बताएंगे। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जाने से पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम। I wanna stay here with you.